हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश 49,568 भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, जिससे आप भी एग्री थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो ये बातें जो है वो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था कि मान लो अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ गया है और उसमें साफ साफ बोला गया है कि 1 लाख स्टूडेंट्स को जो है हम DBPST के लिए बुलाएंगे, मतलब कि आपकी जो वैकेंसी थी वो 49,568 आपकी वैकेंसी थी, यानी कि इनटू 2 गुना, तो मतलब 2 गुना जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। और हम सारी बातें आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है विद नॉर्मलाइजेशन प्लस विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ताकि आप अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं कि 2 गुना तो बहुत होता है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि 2 गुना जो स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं वो बहुत होता है, क्योंकि इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं बोल रहे हैं कि सबकी फिजिकल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए लेट्स सी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर यूपी पुलिस एक्सपेक्टेड कटअप शो हो रहा होगा, ठीक है, कटअप। और यहाँ 49,568 यहाँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपके जो मार्क्स है वो शो हो रहे हैं, और हम आपको इस वीडियो में विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको बताएंगे कि आपका मार्क्स कितना इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं। अगर बात करें हम प्रीवियस, जैसे कि 41,000 वाला जो वैकेंसी था, ठीक है, उसमें आपका जनरल का जो था कटअप वो मैक्सिमम 225 पॉइंट कुछ था, ठीक है। ऐसे ही करके आपका जनरल का जो कटअप है वो गया था। ये नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये मार्क्स लाया, नहीं फ्रेंड्स, विथ नॉर्मलाइजेशन में ये हुआ था। अगर हम आपका नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइज नंबर जब होता है तो आपका 20, 25, 30 जितना चाहे वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें आपका 20 से 25 मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन के नंबर आपको मिले थे, इसीलिए जो आपका कट ऑफ है वो हाई गया था, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए कि कट ऑफ हाई तो गया था, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनको स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए कई बार नोटिस जारी करना पड़ा, बिकॉज फिजिकल में जो है वो बाहर हो जा रहे थे, आउट हो जा रहे थे, फिजिकल उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। और वजह भी थी क्योंकि आपका मान लो आज रिजल्ट आया, कल आपका DBPST के लिए बुला दे, बहुत स्टूडेंट परेशान थे, प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी प्लस 2-3 दिन के बाद आपका रनिंग भी होने लगा लखनऊ या फिर प्रयागराज, तो ऐसा हुआ, मतलब सब एक बार अचानक हुआ, इसीलिए जो है स्टूडेंट्स को तैयारी करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो हो सकता है आपके मन में ये भी चल रहा है इसीलिए फिजिकल में बाहर हो गए होंगे। और आप ये भी बोल रहे हो कि इस बार 2 गुना बुलाया गया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार सारे स्टूडेंट्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है फिजिकल की। बट फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा तो फिजिकल में तैयारी बहुत अच्छी भी हो तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, तो ये 2 गुना जो बुलाया गया है वो बहुत ज़्यादा आपका नहीं है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.30 यानी कि 1.30 लाख जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाए DBPST के लिए, तब उनको बार बार जो है वो परेशानी बोर्ड को नहीं झेलनी पड़ती, और इस बार भी उनको दोबारा जो है स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ेगा, आप देख लेना। तो हम चलिए जान लेते हैं कि आपकी कटअप क्या होगी। तो जैसे कि अभी हमने बात किया कि प्रीवियस आपका 225 पॉइंट करके कुछ कटअप गया था,
ठीक है। और इस बारी अगर आपका मान लो विदाउट नंबर के मार्क्स की बात करें, तो आपका अगर 180 प्लस मार्क्स हैं, 180 से भी कम है तो चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इस बारी आपका कटअप कम जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो 49,568 का जो भर्ती था, उसमें 41 वाले जो मान लो अभी उनका अभी जो प्रोसेस है उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, वो भी इसमें आधे से अधिक फॉर्म फिल करे थे, तो वो तो अब दोबारा आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें भी आपका मान लो अगर 1 लाख बुलाए हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 41,000 वाले होंगे। जी हाँ, 100% होंगे, क्योंकि तब उनको पता नहीं था कि हम तब तक उनका रिजल्ट जो है वो नहीं आया था कि हम पास हैं कि फेल हैं, ना ही DVPSC ना ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, ठीक है। इसलिए उन्होंने इसमें भी फॉर्म फिलअप करा था। और अगर हम प्रीवियस बार की बात करें तो 5,000 जो अभी भी सीटें जो हैं वो खाली है, 5,000 प्लस। जी हाँ, 41,000 वाला जो वैकेंसी आया था उसमें से 5,000 जो सीटें हैं वो अभी भी खाली हैं। तो हो सकता है कि इसमें ऐड कर दिया जाए, लेकिन अभी बोर्ड की ओर से कोई सूचित नहीं हुआ है, तो हम आपको बस बता रहे हैं अपने तरफ से, लेकिन हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। तो चलिए हम सीधी अब बात करते हैं कटअप की। कटअप जनरल की अगर हम विथ नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो वो चाहे जितना भी और नॉर्मलाइज कर दें, इंक्रीज कर दें, तो आपका कटअप वैसे तो इस बार ज़्यादा नॉर्मलाइज नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 10 से 20 इससे ज़्यादा आपका नहीं बढ़, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200 जा सकता है मेरिट, ठीक है। 200 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। जी हाँ, विदाउट नॉर्मलाइजेशन प्लस विथ नॉर्मलाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम OBC की बात करें, तो OBC आप देख सकते हो कि 171, मतलब कि अगर आपका 170 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा 170 नहीं है तो हमारा नहीं होगा। फ्रेंड, जब तक DVPSC नहीं होगा और फिजिकल रनिंग नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बस इतने ही जो इसका मार्क्स है वही जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि रनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर होते हैं, और फिर उनको दूसरा नोटिस जारी करना पड़ता है और स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फिकर नहीं करनी है। तो अगर हम आपका विथ नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो आपका 190 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 100%, ठीक है। वहीं हम अगर बात करें SC की, तो अगर आप SC कैटेगरी से आते हो, तो आपका 160 प्लस होगा तो आपके मार्क्स, तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन इस बारी 49,568 की जो भर्ती है इसमें पक्का है। जी हाँ, तो आपको बस फिजिकल पर अपना पूरा फोकस करना है एंड अपना डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो वो आपकी नहीं सुनते, ओनली डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और उसी की सुनते हैं। और बहुत सारे ये कमेंट्स थे कि मान लो अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम 2016-2013 का जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डेटा डेट डाला है, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका ये कहना है कि क्या हम वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे, तो नहीं। लेकिन हाँ, एक अगर आप नहीं बनवाओगे रिसेंटली, तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए कास्ट प्लस डोमिसाइल आपके 2019 के होने चाहिए, ठीक है। ओल्ड प्लस रिसेंटली दोनों आप ले जाओगे तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। क्योंकि अगर आप ओनली रिसेंटली लेकर जाओगे तो वो बोलेंगे कि जो आपने डेट भरा है वो वाला कास्ट एंड डोमिसाइल कहाँ है, तो वो दोनों मांगते हैं, तो आपको दोनों लेकर जाना होगा, ठीक है। तो यहीं अगर हम बात करें ST, तो ST अगर आप ST कैटेगरी से आते हो, तो 150 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इस बारी का सिलेक्शन बहुत अच्छा मौका है, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी इस बारी की ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल,
तो फीमेल की बात करें तो आप देख सकते हो फीमेल जो होता है, तो फीमेल कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है, कोई भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, 150 से उनका जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। जी हाँ, 100 अब नॉर्मलाइज करके कितना भी बढ़ा दें, बट अगर आपका 150 मार्क्स है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। मेन इम्पोर्टेंट फोकस रनिंग पर आपको करनी है, क्योंकि रनिंग में बहुत सारी लड़कियां बाहर हो जाती हैं ओनली कुछ सेकंड के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि उसमें टेक्निकल चीज़ें लगी होती हैं, 1 सेकंड भी अगर आपका कम होगा तो वो बता देगा। तो आपको रनिंग अपना अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आप वहाँ से बाहर ना हो। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल में बोला तो ये भी जाता है कि थोड़ा पैसा उसे देकर हो जाता है। तो आपकी ये कटअप रहने वाली है, तो अगर आपका मार्क्स इसके अराउंड है तो आपको अभी से अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक लाइक, प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।